ये दो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूं, ये दोनों एक्सरसाइज आप कर लो। और इस तो गाइस इतना ट्राई कर करके आप लोग थक चुके हो ना, इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो इस ऐसे वाले यानी कि इस बड़े वाले नोज से, और प्लस आपके पास फैट भी इतना जमा हो चुका है ना नाकों पे कि आपको समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, लोग सोच रहे हो कि क्या सर जरिए एक लास्ट उपाय है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं होगा, क्या एक्सरसाइज है, सब फेक है जितना भी मैंने बताया। देखो आज आपके सारे क्वेश्चन के डाउट जो है क्लियर होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, सो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आप मेरे पहले के वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन गाइज अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज इस टॉपिक की तरफ हम लोग बिना जाया किए हुए बढ़ते हैं। देखो यार सबसे पहले अगर बात करें तो नोज सर्जरी, बहुत लोग सोच रहे हैं ऐसा कि नोज सर्जरी करा ले और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इसको हम लोग सुधार ले। देखो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज मैंने बताया आप लोग करते ही नहीं हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग उसको कंसिस्टेंट वे में करो। आप लोग खुद से पूछो क्या आप लोग कंसिस्टेंट वे में इसको किए हो। मैंने आपको कहा था कि आप 2 महीने तक आपको करना है, आपने कंसिस्टेंट वे में इसको किया है? आपने बीच में ही छोड़ दिया होगा या तो बीच में छोड़ छोड़ के कंटिन्यू करते होगे, ये चीज आपको नहीं करना है। अगर ये चीज करते हो ना गाइस तो आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, आपके साथ सही होगा ही नहीं ये चीज, क्योंकि आप जितना भी मेहनत करोगे ना वो क्या होगा कि फिर से वो रीगेन कर लेगा और आपको फिर से उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, आप रह जाओगे 0 पे। कभी भी 0 से 5 जाते हो तो आप 5 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाओगे। सो मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंसी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अब ये भी है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि रोज सर्जरी अगर हम लोग करा लेंगे तो ये रोज रोज का जो एक्सरसाइज है इसको करने से हम लोग बच जाएंगे, तो देखो मैं आपको बता दूं कि नोज सर्जरी जो है बहुत ही ज्यादा सेफ है इंडिया में भी, और गाइस ये बाहर भी तो ऑलरेडी सेफ है ही। नोज सर्जरी में कोई उतना बड़ा रिस्क नहीं होता है, लेकिन ये कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये गाइस लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सो गाइस थोड़ा सा आप लोग समझ लेना इसको, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन गाइस अब नोज सर्जरी की अगर बात करें तो इसका कॉस्ट कितना आता है, तो 85K से लेकर के 2 लाख तक इसका कॉस्ट आ सकता है आपको इंडिया में। नोज सर्जरी जो है बहुत ही ज्यादा ईजी वे है आपके नोज के शेप को स्लिम करने में, आपके फेस के स्ट्रक्चर को सही करने में। अब गाइज आप लोग मुझसे पूछोगे कि क्या आदित्य यही एक वे है, तो नहीं गाइज देखो बहुत सारा ऐसा वे है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि आपके नोज पे अगर फैट है तभी हटेंगे आप एक्सरसाइज करने से, अगर वो फैट नहीं है आपके नोज का स्ट्रक्चर ही वैसा है यानी कि आपके नोज के अंदर का जो बोन है उसका शेप और साइज जो है वो अगर बिग है बड़ा है कुछ वैसा ही है, तो भाई कितना भी कोशिश कर लो भगवान का बनाया हुआ कभी भी सही नहीं हो सकता है, भगवान ऐसा ही आपको दिए हैं, और प्लस भगवान का बनाया हुआ कभी भी खराब भी नहीं होता है। सो गाइज कभी भी इसको डिमोटिवेट इससे मत होना, आप लोग जितना सोचते हो उतना आप पे कोई भी ध्यान नहीं देता, आपका फेस उतना भी गंदा नहीं लगता जितना आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है। तो गाइस सबसे पहले ये दो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, ये दोनों एक्सरसाइज आप कर लो और इस एक्सरसाइज को आपको डेली करना है कंसिस्टेंट वे में। अगर इस दोनों एक्सरसाइज से अगर आपका नोज नहीं सही होता है ना तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना आप लोग ज्यादा ध्यान मत देना और डिमोटिवेट ज्यादा मत होना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटेड सही हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप लोग नोज सर्जरी कराने का सोच रहे हो तो उससे पहले ये दोनों एक्सरसाइज जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि देखो यार किसी चीज़ का गारंटी नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर से बहुत सारे चीज़ हम लोग का सही नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा एक नुस्खा बता देता है या फिर कोई एक ऐसा डॉक्टर मिल जाता है जिससे कि हमारा सारा बीमारी जो है दूर हो जाता है। तो गाइज ये दो एक्सरसाइजेज जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले मैं अगर एक्सरसाइजेज की तरफ बात करूँ तो आपको क्या करना है कि आपका ये जो टिप है आपको ये टिप पे आपको कुछ इस तरह से बनाना है अपने फिंगर को, यानी कि आपका जो ये फिंगर ये दोनों फिंगर को आपको टिप पे लाना है और सिंपली आपको इस तरह से मसाज करना है डेली, थोड़ा सा दबाना है और इसको ऊपर की तरफ खींचना है, ये आपको डेली करना है। आप लोग देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आपको डेली करना है, और ये आप हाथ पे थोड़ा सा लगा सकते हो ऑयल वगैरह लुब्रिकेंट की तरफ या विक्स कुछ भी लगा सकते हो गाइस, हाँ आप वेपोर अप भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ आप देख लेना कि आपको क्या लगाना है, आप इजीली आपको टिप से इसको इस तरह से ऊपर की तरफ करना है, ये आपको डेली करना है कम से कम 40 से 45 बार आपको डेली एक्सरसाइज करना है। 15-15 का आप 3 सेट कर सकते हो जो कि आप इजीली आपको ऊपर की तरफ करना है। सेकंड नंबर एक्सरसाइज क्या, सेकंड नंबर हमारा एक्सरसाइज कुछ ये है कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक फिंगर जो कि आप सिंपली ये वाली उंगली यूज कर सकते हो, और आपको कुछ इधर से देख लो आपको यहाँ वाले पार्ट ये जो ब्रिज होता है ना इस ब्रिज को आपको ऊपर की तरफ पुश मारना है। जब आप तीसरे बार पुश मारोगे तो आपको थोड़ा देर होल्ड भी करना है, देखो 1 2 3 1 2 3 आपको कुछ
5 सेकंड तक होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपको डेली करना है गाइस, और ये आप कम से कम आप 5 से 7 मिनट तक जरूर करना, और इसको आप कंटिन्यू अगर आप करते हो कंसिस्टेंसी वे में तो आपका नोज धीरे धीरे स्मॉल होने लगेगा। ये एक बहुत ही बेस्ट उपाय है दोनों का दोनों, अगर इसका इससे आपका नोज जो है आपका बहुत ही हद तक सही हो जाएगा, और अगर इससे भी सही नहीं होता है तो प्लीज डिमोटिवेट मत होना, और प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में ये आके मत लिखना कि भाई तुमने बताया तो भाई ये चीज नहीं हुआ यार तुम झूठे हो, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में ही बहुत लोग ऐसे दिख जाएंगे जिनका कि हुआ है, और वो गाइज अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आके करते हैं। लेकिन गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है, इसका मतलब ये है कि आप पे ये सेट नहीं कर रहा है, आपका नोज के बनावट ही वैसा है और वो सही नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करो, और गाइस मोटिवेट कुछ इस तरह से हो, क्योंकि आप देख सकते हो परिणीति चोपड़ा जो कि अभी फिलहाल में उनका शादी हुआ है पॉलिटिशियन के साथ, तो आप देख सकते हो वो बहुत ज़्यादा चर्चे में है, और गाइस वो बहुत ही अच्छी भी लगती हैं, बट उनका नोज़ भी देखोगे ना तो आपको हंसी आएगा, उनका भी नोज़ बड़ा है, उनका भी नोज़ अच्छा नहीं है। अगर ये वो बॉलीवुड में आने से पहले सोचती ना तो वो बॉलीवुड में कभी आ भी नहीं पाती, इतना बड़ा नाम भी नहीं बना पाती। वो छोड़ो, तुम लोग सोचोगे यार परिणीति चोपड़ा उतने उस लेवल पर नहीं जा पाई, सुपर से सुपरस्टार नहीं बन पाई, शाहरुख खान तो आजकल हर कोई जानता है, बच्चा जानता है, हर एक के दिल में वो है शाहरुख खान जो है किंग ऑफ बॉलीवुड। उनका नोज देखोगे ना, उनका भी नोज बड़ा है, उनके नोज को भी देख करके आपको हंसी आएगी कभी नोज पे उनके गौर करोगे तो। सो गाइस कभी भी लुक्स हमारा मैटर नहीं करता है, हमारा मेहनत मैटर करता है अपने आप को बनाने में, तो आप प्लीज मेहनत पे ज्यादा भरोसा करो ना कि अपने लुक्स पे। और गाइस कभी भी डेमोरलाइज मत होना, कभी भी नोज सर्जरी के लिए मैं तो नहीं कहूंगा कि जाओ, क्योंकि उतने बड़े बड़े अभिनेता जब नोज सर्जरी के लिए नहीं गए तो गाइस आपको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ परसेंटेज तक लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, और गाइस उस लेवल पे जा करके भी उनको ये रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं आया। सो गाइस आपका नाक कभी भी बीच में नहीं आएगा, आप जो चाहे वो कर सकते हो, समझ रहे हो। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।